भाई आज होगी घटना। घटना बताता हूँ, पहले मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई कल मैं जो मीटअप में था, मेरे पे अभी न्यूज़ आई छत्तीसगढ़ से। भाई भाई साफ साफ दिख रहा है। मैंने कल ये बात बोली थी, आज तुम्हें दिख गई होगी। तुम्हें भी तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज एलविश यादव ने उनके नए लॉग में बताया कि जब वो छत्तीसगढ़ के मीटअप में गए थे और मीटअप खत्म होने के बाद जब होटल की तरफ वो जा रहे थे तो एक कार उनका बहुत देर से पीछा कर रही थी और वो कार उनकी कार के आगे पीछे कर रही थी। उसके बाद एलविश यादव ने बताया कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया। जब उनको एलविश यादव को पता चला कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया, तब एलविश यादव का क्या रिएक्शन था मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसी के साथ साथ एलविश यादव के पापा को एलविश यादव ने एक सरप्राइज भी दिया है। वो सरप्राइज क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। भाई आज होगी घटना। घटना बताता हूँ, पहले मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई कल मैं जो मीटअप में था, मेरे पे अभी न्यूज़ आई छत्तीसगढ़ से। हाँ, जैसे हमारा जो काफिला से चल रहा था, 10-15 गाड़ी होगा। स्टार्टिंग में जब हम एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे, बीच में एक गाड़ी आई स्विफ्ट, उसमें बच्चे थे, आई एलो कर रहे थे। मैं आई एलो कर रहा था, वीडियो वाडियो बना रहा था, पर वे ना बहुत तेज चला रहे थे। बहुत तेज का मतलब समझ, यूं 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 सांप बना रहे थे, कि पता नहीं क्यों बना रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। वो भाई पलट गई गाड़ी, किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर खा गए। मेरे को नहीं पता, मैं तो इधर हूं ना बड़े समझदारी से क्यों ना चला गाड़ी। भाई, मैं वही कह रहा था। मेरे को तो वीडियो बड़ी में टक्कर कर शॉक शॉक हुआ मैं बड़ा देख के, कि मैंने बोला, कह रहे गाड़ी ठुक गई। मैंने कि गाड़ी ठुक गई मतलब, एक जो मर्सिडीज जीएलएस थी वो भी ठुक गई, किसी क्रेटा वाले ने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी मर्सिडीज में। वो तो चलो चलती रहे, मैं ठुकाई, पर पलटना इस वे मोर लेवल अप, समझ रहे किसी ना? को लग रही ना चाहिए। हाँ भाई, किसी के नहीं लग रही चाहिए। मैं तो हर बार सबको ये कहता हूँ, भाई प्लीज प्यार से बाइक वाले जैसे पीछे पकड़ लेते हैं, बाइक लगा लेते, स्कूटी लगा लेते हैं, तो उसमें भी भाई बड़े चांसेस रहते हैं यार कि लग जाए किसी के। भाई मत क्या करो ये सब। ये बैग देखा आपने मेरा? देखो दिख तो रहा है। देखो तो सही इसको, बैग को कितने का बैग भाई बताओ तो सही, गैस करो एक बार। हजार 1,70,000 का बैग है, माँ कसम। जब मैं सोच रही हूँ मगर मैं 13,000 के पैरों उस पर गत्ते पहले डर लग रही थी। सही में 1,70,000 का बैग है आपकी कसम। अरे मजाक में हट के सही में इतने का बैग है? कैसा ठीक ही होगा जब तू कह रहा है तो क्या होगा। लग रहा बैग? वो जैकेट नहीं देखी आपने मेरी? तो गाइज अभी बात करते हैं लव कटारिया के बारे में। तो लव कटारिया ने रिएक्शन दिया है अपना बिग बॉस 17 के ऊपर। और लव कटारिया का कहना है कि अंकिता लोखंडे और मुनार फारूकी बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और भी कुछ बातें की लव कटारिया ने बिग बॉस 17 के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साफ साफ दिख रहा है। मैंने कल ये बात बोली थी, आज तुम्हें दिख गई होगी। तुम्हें भी अंकिता एंड मुनावर आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। आई नो आप लोगों के फेवरेट हैं। देखो पर मैं अभी तो ऑनेस्ट हूँ ना, मैं अभी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। सॉफ्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को, धीरे धीरे दिमाग खा रहे हैं पब्लिक का कि हम बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। समझा करो चीज़ों को, कुछ को समझ रहे हो ना? ट्विटर पे असली खेल चलता, ट्विटर पे आओ पता लगेगा कहाँ से क्या पीआर चलाई जा रही है, कहाँ से क्या पीआर नहीं चलाई जा रही है। मुनावर की सब दिख जाएगा आप लोगों को। रियल वर्ल्ड में ना जितना अच्छा बनता उतना कोई अच्छा नहीं होता भाई। आगे बात समझ में, थोड़ा समझा करो, सोचा करो गाइस, फ्री डिसीजन लिया करो, क्योंकि आप लोग ही हो सुप्रीम पावर। जनता इज द सुप्रीम पावर भाई। आगे बात समझ में, तो अपनी पावर को अच्छे से यूज करना अपने।